अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल में। द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ एक्लिप्सिस। एक्लिप्सिस क्या है? आज हम एक्लिप्सिस को डीपली स्टडी करेंगे, जिसको हम कहते हैं सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण। बेसिकली एक्लिप्सिस जो हैं वो है क्या? एक्लिप्सिस वो होते हैं जब एक हेवनली बॉडी दो हेवनली बॉडी के बीच में आ जाती है। हमारे पास ऐसे तीन बॉडीज़ हैं जो एक दूसरे के ऑर्बिट में आते हैं, चलते हैं, और फिर वो एक दूसरे के ऊपर शेडो कास्ट करते हैं। इसको एक्लिप्स कहते हैं, ठीक है। एक हमारे पास सन है और एक हमारे पास अर्थ है, और दूसरे हमारे पास क्या है? मून है, ठीक है। इधर भी हमारे पास एक सन है, एक मून है, और एक हमारे पास अर्थ है। ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है ना। अभी पहले हम जाते हैं मून के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, फिर जाते हैं एक्लिप्सिस पर। सन के बारे में हमने बात की थी, अर्थ के बारे में भी हमने बात की है, और मून के बारे में हमने बात नहीं की। मून एक सेटेलाइट है अर्थ का, नेचुरल सेटेलाइट है। मून का नाम है लोना। क्या नाम है? लोना। अभी मून जो है हमसे कितने डिस्टेंस पर है, पहले ये चीज़ देखते हैं। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं मून के बारे में, फिर हम जाके एक्लिप्सिस को स्टडी करते हैं कि एक्लिप्सिस क्या है। मून हमारे पास बेसिकली 3,84,400 किलोमीटर है। अच्छा, इसको ट्रिक को याद करने के लिए थोड़ा सा मैं अपना ट्रिक इस्तेमाल करता हूँ इस डिस्टेंसेस को याद करने के लिए। ये मून जो है वो एम से स्टार्ट है, ठीक है ना। अगर इस एम को मैं यू लिख दूं, यानी एम को उल्टा कर दूं इस तरह, तो ये तीन बन जाता है, यानी यू कर दूं, रोटेट कर दूं, ठीक है ना। फिर ये दो जीरो है मून के, ये दो जीरो एक दूसरे के ऊपर रख दूं, ये ओ है, मैं इसको जीरो समझ रहा हूं आसानी के लिए, और इन दो जीरो को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिया, ठीक है। क्या बन गया? आठ। अब इस एक जीरो की कीमत कितनी है जिसने आठ बनाया, दूसरी जीरो की कीमत कितनी है इसने आठ बनाया। इस एक जीरो की कीमत भी चार है, दूसरी जीरो की कीमत भी चार है जिसने आठ बनाया। ये असल है ओ, इस ओ को मैं जीरो समझ रहा हूं, और ये दो ओ मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिया, तो क्या बन गया? आठ, एट। अब इस एक आठ बनाने वाली दो जीरो की आर ए की कीमत चार चार है, और फिर ये दो जीरो वापस लिख दो, तो आपके पास मून की डिस्टेंस आ जाएगी। ये एक छोटा सा ट्रिक है याद करने के लिए, ठीक है ना। अभी हमारे पास इसकी ग्रेविटी जो है वो छः मरतबा ज़मीन से कम है, तो 1.6 है, ठीक है। यानी अगर ज़मीन की ग्रेविटी जो है 10 है, और 10 को आप 1.6 पे डिवाइड कर ले तो 1.6 आती है, ये इसकी ग्रेविटी है, बहुत कम ग्रेविटी है। सूरज से जब रोशनी रवाना हो जाती है तो हम तक पहुँचते भी कितना टाइम लगता है? 1.3 जो है सेकंड्स लगते हैं, यानी इतना कम फासला जो है वो कम टाइम लगता है। एक सेकंड में सूरज की रोशनी जो है वो 300,000 किलोमीटर कवर करती है, चूंकि ये 300,000 से थोड़ी ज़्यादा है इसलिए 1.3 सेकंड्स लेती है। ये है मून के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। मून की अपनी एटमॉस्फेयर जो है वो बिल्कुल नहीं है, छोटा सा एटमॉस्फेयर है इसका, हल्का सा एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, इसकी ग्रेविटी न होने की वजह से। क्योंकि ये जो ग्रेविटी है वो क्या कर देती है, अपनी तरफ मॉलिक्यूल्स को खींच लेती है, फिर ये अपना एटमॉस्फेयर बना सकती है। जब इसकी ग्रेविटी कमज़ोर है तो लिहाजा ये मॉलिक्यूल एस्केप हो जाते हैं इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से, जिसकी वजह से वो अपना एटमॉस्फेयर नहीं बना सकती है। इसलिए मून से आपकी मून से जो आसमान है वो ब्लैक नज़र आता है, इस ही एटमॉस्फेयर की ना होने की वजह से। एटमॉस्फेयर की ना होने की वजह से मून के सरफेस के ऊपर दिन को टेम्परेचर 100 प्लस होता है, और रात को -100 होता है, -100 से भी नीचे होता है, 130 होता है, 137 होता है। इसकी रीज़न भी इसकी एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से है, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर होता है तो सूरज की रेडिएशंस आते हैं डायरेक्ट सरफेस को हीट करते हैं। अगर एटमॉस्फेयर होता तो ये क्या कर देते हैं, इन रेडिएशंस को वापस क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं,
अब एटमॉस्फेयर नहीं है इसलिए सूरज की रेडिएशंस डायरेक्ट सरफेस को हिट कर रही है, जिसकी वजह से दिन को टेम्परेचर 100 प्लस होता है, ठीक है ना। और रात को क्यों माइनस में चला जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का काम ये सिर्फ नहीं है कि आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर ले, बल्कि आने वाली लाइट को स्टोर भी कर ले। अब एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्टोर करने वाला कोई सोर्स भी नहीं है, इसलिए रात को जितनी हीट आई है वो रात को वापस चली जाती है और टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है। मून के सरफेस पर हवा भी नहीं है, क्यों नहीं है, नो विंड। वजह क्या है कि वहाँ पे फिर हम कहते हैं कि एटमॉस्फेयर नहीं है। हमने इस बात को सोलर सिस्टम में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास वो बॉडीज जिनकी ग्रेविटी हिंतियाई कम है तो उनके ऊपर सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं बनती है, जिसकी वजह इसकी ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह उसकी स्लो मोशन और छोटी मास होने की वजह है, ठीक है। तो अब जाते हैं एक्लिप्सिस पर। एक्लिप्सिस क्या है, हमारे पास ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है। मून जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है और अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है ना। अब क्या होता है, जब सन मून सन और अर्थ इन लाइन हो जाते हैं, और चूंकि मून की अपनी रोशनी नहीं है, जब मून की अपनी रोशनी नहीं है तो चूंकि वो मून जो है वो रोशनी हासिल करती है सूरज की रोशनी से, वो ब्राइट इसलिए नज़र आती है कि वो सूरज से रोशनी लेती है, उस पर पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होकर हम मून को देख लेते हैं तो मून हमें ब्राइट नज़र आती है। अब मून की अपनी रोशनी नहीं है तो सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है जिसकी वजह से ये ब्राइट नज़र आती है। जब ये और अर्थ इन लाइन आ जाते हैं और अर्थ क्या करता है, सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देती है मून से, ठीक है ना। अब सूरज की रोशनी इस तरह भी जा रही है, 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 ठीक है ना। अब जिधर सूरज की रोशनी की एक रे ब्लॉक हो जाती है, दूसरी रे ओपन हो जाती है, तो यहाँ पे हल्का सा अंधेरा होता है, हल्का सा रोशनी होती है, और इधर भी यही सिचुएशन होता है। जबकि इस सिचुएशन पर हमारे पास क्या होता है, सूरज की रोशनी जो है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाती है। जब सूरज की रोशनी मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाती है मून से, तो ये जो इधर जो सपोज हम मून को देखते हैं तो मून बिल्कुल ब्लैक नज़र आती है, तो हम ये कहते हैं कि इस वक्त चांद जो है, मून जो है वो एक्लिप्स के अंदर आ गई, यानी मून जो है वो मून के ऊपर शेडो आ गई। अब मून मुकम्मल तौर पर शेडो में है, इस शेडो को जो मून के सरफेस पर है, इस शेडो को जो मून के सरफेस पर जो शेडो है इसको कहते हैं लोनर एक्लिप्स, ठीक है ना। कौन सा एक्लिप्स, लोनर एक्लिप्स। अब इस एक्लिप्स को हम कहते हैं पार्शियल कंप्लीट टोटल या कंप्लीट टोटल लोनर एक्लिप्स। मुकम्मल तौर पर सूरज की रोशनी जो है वो ब्लॉक हो गई है और मून बिल्कुल ब्लैक नजर आ रही है, हम इसको लोनर एक्लिप्स कहते हैं टोटल, ठीक है। इस सिचुएशन पर ये साइड की रोशनी तो नहीं आ रही है, लेकिन सूरज की ये जो रोशनी है वो थोड़ी बहुत आ रही है। अगर मून आपके पास इधर है, इस मुकाम पर है, इस वक्त थोड़ा सा अंधेरा नजर आ रहा होगा और थोड़ा सा रोशनी नजर आ रहा होगा, क्योंकि सन की ये रेडिएशन मून अर्थ ने ब्लॉक कर रखी है, ये रेडिएशन अभी भी जा रहा है एक साइड से। ये जो यहाँ पे जो एक्लिप्स है इसको हम कहते हैं पार्शियल पार्शियल लोनर एक्लिप्स। मैंने आपको पहले बताया कि मून को हम जो है लोना कहते हैं, इसलिए इस एक्लिप्स को थोड़ी सी आपको नज़र आ रही है, मून मुकम्मल तौर पर ब्लैक नहीं है, थोड़ी सी नज़र आ रही है, थोड़ी सी हम ये कहते हैं कि इसके ऊपर शेडो है। तो इस एक्लिप्स को मून के सरफेस पर हम समझते हैं लोनर एक्लिप्स कहते हैं। ये जो आपके पास लोनर एक्लिप्स है ये दो हिस्सों पर डिवाइड है, एक आपके पास टोटल लोनर एक्लिप्स है और एक आपके पास पार्शियल लोनर एक्लिप्स है। टोटल लोनर एक्लिप्स में मून मुकम्मल तौर पर अंधेरे में होगी और पार्शियल लोनर एक्लिप्स में मून थोड़ा सा अंधेरे में होगी, थोड़ा सा नहीं होगी, ठीक है ना। अब इस मुकाम पर जो शेडो पड़ रही है, इस रीजन को, इस इलाके को अम्ब्रल रीजन कहते हैं या अम्ब्रा।
द रीजन ऑफ कंप्लीट लूनर इक्लिप्स इज कॉल्ड अम्ब्रल रीजन और अम्ब्रा, ठीक है ना। द रीजन ऑफ, इस रीजन को ऑफ पार्शियल सोलर इक्लिप्स, पार्शियल लूनर इक्लिप्स, सॉरी पार्शियल लूनर इक्लिप्स इज कॉल्ड पेनम्ब्रा और पेनम्ब्रल रीजन। अब पेनम्ब्रल रीजन पार्शियल लूनर इक्लिप्स का रीजन है और अम्ब्रल रीजन जो है टोटल लूनर इक्लिप्स का रीजन है, लेकिन आप इसको पार्शियल लूनर इक्लिप्स इधर नहीं कह सकते। आप इस सन के मून के सरफेस पर जो शेडो है इसको टोटल लूनर इक्लिप्स कहते हैं और इसके शेडो को पार्शियल लूनर इक्लिप्स कहते हैं। इस टोटल एरिया को जो कि जहाँ पे यहाँ पे मून नहीं है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, पेनम्ब्रल रीजन, और इस टोटल एरिया को हम क्या कहते हैं, अम्ब्रल रीजन। अब ये हो गया आपके पास लूनर इक्लिप्स, टू लूनर इक्लिप्स एवरी ईयर, हमारे पास दो लूनर इक्लिप्स हर साल होते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब है हर साल में आपके पास सूरज चांद ग्रहण जो है वो दो मर्तबा होती है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। उसकी वजह क्या है कि ज़मीन जो है वो दो साइड से जो है रोटेट करती है, एक साइड से, दो साइड से रोटेशन मुराद ये है कि हम एक साइड से ऑब्जर्व करते हैं फिर हम दूसरे साइड से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। यानी ये दो टाइम्स एक दूसरे के साथ इन लाइन आ जाते हैं या अलाइंट हो जाते हैं। ये हो गया हमारे पास लूनर इक्लिप्स। अब लूनर इक्लिप्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम कहते हैं व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून देन द अर्थ ब्लॉक्स द सन रेडिएशंस फ्रॉम द मून, दस देयर विल बी अ कंप्लीट शेडो ऑन द सरफेस ऑफ द मून। दिस shadow causes the moon, causes the moon to become black, thus we call it a lunar eclipse. अब आई थिंक आप लोग को लूनर इक्लिप्स कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। अब हम जाते हैं सोलर इक्लिप्स पर कि सोलर इक्लिप्स क्या है। सोलर इक्लिप्स में हमारे पास सन है और ये क्या है जो सुर्ख मैंने कलर कर दिया है, ये मून है, और ये क्या है, ये कंप्लीट आपके पास क्या है, अर्थ, ठीक है ना। अब चूंकि मून एस कंपेयर टू द अर्थ, ठीक है, वजन में 81 टाइम्स छोटी है, ठीक है, 81 टाइम्स स्मॉलर है, ठीक है, इसलिए वो कंप्लीटली अर्थ से सन की शेडो को ब्लॉक नहीं कर सकती है, थोड़ी सी शेडो ब्लॉक करती है, थोड़ी सी शेडो छोड़ देती है। अब सन के रेडिएशंस इस तरह भी एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इस तरह भी एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है। ये सन की रेडिएशन यू भी जा रहा है और सन की रेडिएशन यू भी जा रहा है और सन के रेडिएशन यू भी जा रहे हैं और सन के रेडिएशन यू भी जा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां से ये रीजन, ये जो रीजन है यहां पे जो शेडो बनती है मून की, क्योंकि मून दूर है 384,400 किलोमीटर है, इसलिए इस रीजन पर ये जो शेडो आहिस्ता आहिस्ता आती है, कम हो जाती है। इस रीजन पर ये जो मैं निशान कर रहा हूं, इस रीजन पर मुकम्मल तौर पर अंधेरा होगा और इस रीजन पर हल्का सा अंधेरा होगा और हल्का सा अंधेरा रोशनी होगी, हल्की सी रोशनी होगी और हल्की सी अंधेरा, हल्का सा अंधेरा होगा, ठीक है ना। इस रीजन पर थोड़ा सा आपको सूरज की रोशनी नजर आ रही होगी, थोड़ी सी, हम ये कहते हैं कि सही नजर नहीं आ रहा है, सही सूरज की रोशनी नहीं आ रही है। इस रीजन को हम कहते हैं, इस रीजन को हम कहते हैं अम्ब्रल रीजन। अम्ब्रल रीजन किस चीज का, सोलर इक्लिप्स का अम्ब्रल रीजन है, इस टोटल एरिया को ये, और ये जो सन के जमीन के सरफेस पर जो एरिया आपको नजर आ रही है जो कंप्लीट शेडो के अंदर है, इसको हम कहते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। क्यों, क्योंकि सूरज की जो रोशनी है वो ब्लॉक हो चुकी है और जमीन के इस मुकाम पर मुकम्मल तौर पर अंधेरा है, ठीक है ना। दूसरी, ये जो रीजन है ये रेडिएशंस तो ब्लॉक हो गए, ये रेडिएशंस तो ब्लॉक हो गए, लेकिन ये रेडिएशंस अभी भी आ रहा है, इधर हल्का सा रोशनी भी छोड़ रही है, यहाँ पे मुकम्मल तौर पर रोशनी नहीं आ रही है, ठीक है, जब से किसी साइड को थोड़ा सा ब्लॉक कर रखा है। इस रीजन को हम क्या कहते हैं, पार्शियल सोलर इक्लिप्स, इस रीजन को हम कहते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स। अब ये सोलर इक्लिप्स की इस रीजन को, इस पूरे मुकाम को क्या कहते हैं, पेनम्ब्रल रीजन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रीजन है पेनम्ब्रल रीजन ऑफ सोलर इक्लिप्स, ये अम्ब्रल रीजन ऑफ लूनर इक्लिप्स। याद रखिए कि आपके पास
क्योंकि मून जो है वो एज़ कम्पेयर टू द अर्थ बहुत छोटी है और सन भी इससे बहुत बड़ा है। इस वजह से ये 160 किलोमीटर वाइड फासला वो कर देती, इस तरह 160 किलोमीटर जो है वो फासला कवर कर सकती है ज़मीन के सरफेस पर, ठीक है। यानी इसका मतलब ये फासला जो है वो 160 किलोमीटर हो गई, जबकि ये जो फासला है कि कितना फासला इस तरह ये कवर करेगी, यानी यहाँ से यहाँ तक ये कितना फासला कवर करेगी, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट 16,100 किलोमीटर होगी, ठीक है। यानी इसका मतलब है लेंथ ऑफ द सोलर एक्लिप्स, लेंथ ऑफ द सोलर एक्लिप्स इज कितना है, 16,100 किलोमीटर है, ठीक है। और विड्थ ऑफ द सोलर एक्लिप्स जो है वो 160 है, ठीक है ना। इस 160 किलोमीटर में आपका लोनर भी आ सकता है, सॉरी पार्शल भी आ सकता है और अम्ब्रेला भी आ सकता है। यानी मैक्सिमम रेंज ये है विड्थ में और मैक्सिमम रेंज ये है लेंथ में। तो ये ओवरऑल आपके पास हमने डिस्कस कर दिया सोलर एक्लिप्स और लोनर एक्लिप्स। अब आपको समझ आ गया होगा कि लोनर एक्लिप्स क्यों होती है, सोलर एक्लिप्स। याद रखें जो हमारे पास सोलर एक्लिप्स होता है वो ख़तरनाक होता है और जो लोनर एक्लिप्स होता है वो ख़तरनाक नहीं होता है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे सन रेडिएशंस की पार्शल ब्लॉकेज होती है, वो जो पार्शल रेज आते हैं वो थोड़े से इंटेंस होते हैं जो बाज़ औक़ात अंगों को ख़राब कर लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास सोलर एक्लिप्स जो होती हैं वो ख़तरनाक होती हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा या आपको अच्छा लगा होगा तो कैंडली हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट कर लें, कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर लें, या अगर कोई बेहतरी आप लोगों को चाहिए तो वो बेहतरी के लिए आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं और हम खुशी खुशी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे से वीडियोज़ आपके लिए अपलोड कर लें और आप लोगों को फ़ायदा हो। थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। लाइज़ आते हैं।